आइए हम वचन की ओर बढ़ें। ये सुंदर अवसर है कि हम परमेश्वर का वचन सुनने का हमें प्रभु ने कृपा किया, सौभाग्य दिया, और इस वचन को सुनकर हम हमारे देश का आशीष का उन्नति का कारण होने दें। प्रभु हम इस दुनिया में हम अपने बच्चों से कुछ आशा रखते हैं वो कुछ करें इस प्रकार, या हम देखें तो हम ऐसे भी बोलते हैं कि पिताजी के गुण को, पिताजी के कैरेक्टर को, चरित्र को, उसका पुत्र भी उसे अच्छे चरित्र को, अच्छी बातों को, उसके पुत्र भी उसे ले और उसी के अनुसार जीवन बिताए। अब बाइबल में देखिए, जितने प्रभु में सो गए वो सब अपने बाल बच्चों को बुलाकर आशीष देते हैं और वो बताते हैं कि प्रभु की विधियों को, प्रभु के वचन को मानो, उस पर चलो। यही बात हर एक व्यक्ति आदेश देते हैं, आशीष देता है। और मैं जितना पुराने नियम में पढ़ा हूं, हर एक प्रभु के दास ऐसे आशीष देकर इस दुनिया से कुछ कर जाते हैं या इस दुनिया की रीति पर आगे बढ़ चले जाते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर भी हमसे कुछ चाहते हैं, परमेश्वर भी हमसे कुछ उम्मीद लगा के रखे हैं। जैसे हम अपने बाल बच्चों से, माता पिता से, किसी से भी किसी ना किसी प्रकार की उम्मीद लगा के रखते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर आपसे और मुझसे कुछ उम्मीद लगाकर रखे हुए हैं। ये बातें जिनकी उम्मीद परमेश्वर अपने बच्चों से करता है या रखता है, वो बातें मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वही मेरा आज का विषय है। कुछ बातें हैं जो परमेश्वर आपसे और मुझसे, जो आप और मैं परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर चाहता है और उम्मीद लगा के रखा है आपसे और मुझसे कि हम वो करें। यही मेरा आज का विषय है और इसी विषय में हम आगे बढ़े। पहली बात जो मैं बताना चाहता हूँ, प्रदर्शन है क्या, इसको इंग्लिश में ऐसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन, उनके गुणों को प्रकट करना, प्रदर्शन। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें, फैलाएं या हमारे अंदर से बाहर आए। परमेश्वर ये चाहता है अपने बच्चों से। हालेलुया, आप तैयार हैं इसके बारे में, तो मैं आगे बढ़ता हूं। परमेश्वर चाहते हैं कि उनके गुणों को हम प्रकट करें, प्रदर्शन करें या फैलाएं या उसे खोल कर दिखाएं। परमेश्वर ऐसा चाहता है, वो छुपा कर रखना नहीं चाहता है। परमेश्वर का चाहत ये है, परमेश्वर आपसे और मुझसे ये उम्मीद लगा कर रखा है कि हम परमेश्वर के गुण को हम बाहर प्रकट करें। कैसे, आइए एक वचन पढ़ें। पहला पत्रस की पत्री 2:9, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2:9। पर तुम्हें चुना हुआ वंश और राज प्रतिधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। ठीक है, देखिए यहाँ क्या कहता है, परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है कि हम उनके गुण को प्रकट करें। हर एक विश्वासी से प्रभु चाहत रखता है, हर एक परमेश्वर के संतान से परमेश्वर चाहत रखता है कि हम उनके गुण को प्रकट करें। और कहां प्रकट करना है आपको और मुझे, दुनिया में, समाज में, सोसाइटी में, आप जिस एरिया में रहते हैं वहां पर, आप और मैं जहां कहीं है, हमें परमेश्वर के गुण को प्रकट करना है। आप चाहे ऑफिस में है, आप अपने काम में है, आप किसी व्यवसाय में है, आप उधर परमेश्वर के गुण को प्रकट करना है। याद रखे, परमेश्वर धोखा देने वाला नहीं है, इसलिए आप और मैं धोखा नहीं देना। परमेश्वर फंसाने वाला नहीं है, इसलिए आपको और मुझे फंसाना नहीं है। परमेश्वर किसी को छल में, डाव में नहीं रखता, इसलिए आपको और मुझे ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर का बुरी बातों से कोई लेन देन नहीं है, तो आपको और मुझे भी इन बुरी बातों से लेन देन नहीं रखना है। हालेलुया, परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का कैरेक्टर, परमेश्वर का गुण, उसको हमें प्रकट करना है, उसको हमें फैलाना है। याद रखे, एक दिन मैं फेसबुक में था और कुछ फोटो मेरे सामने आया, अचानक मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप में एक मैसेज आया,
सावधान, प्रभु दिख रहा है। मुझे सुनने वाले यहां पर जो भी है फेसबुक में या जूम में, मैं उनको बताना चाहता हूं, जो कोई परमेश्वर का गुण प्रकट नहीं कर कर कुछ दूसरी बातों को अपने जीवन में ले रहा है, याद रखें, सावधान रहें, परमेश्वर आपको देख रहा है। जो भी आप और मैं काम कर रहे हैं, चाहे वो काम आपकी भलाई के लिए हो, आपकी फायदे के लिए क्यों ना हो, लेकिन उसमें परमेश्वर के गुण प्रकट नहीं होता या परमेश्वर को वो चीज पसंद नहीं है, तो बिल्कुल मत करो। हम सोचते हैं ये हमारे लिए लास्ट चांस है, अंतिम मौका है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर की बातों को जब आप और मैं ध्यान लगाते हैं, परमेश्वर आपके और मेरे लिए कई मार्गों को, कई मौकों को खोल देगा। आप देखिए बाइबल में किस प्रकार परमेश्वर के गुण को ना मानने वाले लोग कैसे पाप में फंस गए। आप देखिए सदोम और गमोरा से अब्राहम लूत को और उसकी पत्नी और उनके दोनों बच्चों को परमेश्वर ने कहा लेकर जा, ठीक है, और आज्ञा दिया पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन लूत की बीवी ने पीछे मुड़कर देखी और नमक का खंभा हो गया। मैं बता क्या रहा हूं, ध्यान से सुनिए, नमक का खंभा हो गया। आगे इन लोग चलते चलते दूसरी जगह पर चले गए और लूत की दोनों पत्नी दोनों बेटियों को क्या लगा कि अब सब मर गए, इस दुनिया में कोई आदमी नहीं बचा, इसीलिए अपने पिता के साथ उन्होंने रिश्ता बनाया, बच्चे उत्पन्न किया, ऐसा बाइबल हमें बता रहे हैं। याद रखिए, आपके पास अगर मौका नहीं है, यही लास्ट मौका है, अब सब समाप्त हो गया है, ऐसा सोचकर आप और मैं परमेश्वर के गुण को हमारे जीवन से निकाल देंगे और उस गुण को परमेश्वर का प्रकट नहीं करेंगे, याद रखें आपका और मेरा फंसने के लिए पहला रास्ता आप और मैंने ही निकाल दिया है। इसलिए याद रखें, मैं इतना इसलिए बोला कि मुझे सुनने वाले आप लोग या मैं खुद, मैं इस बात को बताना चाहता हूं, आपको किसी चीज के लिए भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये मेरे लिए लास्ट है और ये मैं कर लूं तो मेरा जीवन बदल जाएगा, मेरे जीवन में कुछ आशीष आ जाएंगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये बात परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर का बुरी बातों से कोई लेन देन, कोई व्यवहार नहीं है। इसलिए आप और मैं सच्चाई में, सच्चाई के साथ चले। यूहन्ना 8:44 में लिखा है, तुम अपने बाप शैतान से हो क्योंकि वो आरंभ से झूठ बोलता आया है, वो हत्यारा है, वो सत्य पर स्थिर नहीं रहा। आपको और मुझे याद रखना है, आप और मैं सत्य के द्वारा स्वतंत्र किए गए हैं, इसलिए उसी स्वतंत्र में बने रहो, उस स्वतंत्र में आप और मैं चलते रहे निरंतर। बुराई को आप आड़ मत बना दो, परमेश्वर के गुण, परमेश्वर के कैरेक्टर चरित्र को हमें प्रकट करते हुए आगे बढ़ना है। आइए और एक वचन पढ़ें, दूसरा पत्रस की पत्री 1:3। परमेश्वर हमसे उम्मीद रखते हैं कि हम परमेश्वर के गुण को प्रकट करें। हाँ जी, क्योंकि जब उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य में सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। आपका और मेरा जो बुलावट है, जिसमें आपको चलना है, उस बुलावट में परमेश्वर के गुण को, परमेश्वर की जो उम्मीद रखता है परमेश्वर अपने बच्चों से, उस उम्मीद में हमें आगे निरंतर बढ़ते रहना है। और वो जो प्रकट किया है, वापस दोहराए वो वचन को, दिया है आपकी और मेरी आवश्यकता जो है उसको परमेश्वर ने पहले से देकर रख दिया है, दिया है आपको और मुझे, और आप और मैं जो दिया हुआ परमेश्वर का गुण है उसे हमें प्रकट करना है या प्रदर्शन करना है या हमें डेमोन्स्ट्रेशन करना है, उस बात को खोलकर दिखाना है, हमें समाज में दिखाना है, लोगों में दिखाना है, हर एक जगह पर आपको और मुझे परमेश्वर के उस गुण को प्रकट करना है, प्रदर्शन करना है। फिलिपियों के पत्र 4:4 में आइए, बुक ऑफ फिलिपियन 4:8।
चार का आठ, फिलिपियों 4 अध्याय 8 वचन। इसलिए है भाइयों, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है, जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बाती है, उन पर ध्यान लगाया करो। ऐसी बातों पर एक विश्वासी को ध्यान लगाना है ताकि परमेश्वर का गुण हमारे अंदर से बाहर प्रकट हो और परमेश्वर को लोग आपके और मेरे गुण और आपके और मेरे स्वभाव के द्वारा लोग परमेश्वर को जाने। हम अक्सर कहते हैं लोग बाइबल नहीं पढ़ते, हम बाइबल पढ़ते हैं। इसीलिए लोग जो बाइबल नहीं पढ़ते वो बाइबल पढ़ने वाले आपको और मुझको पढ़ते हैं, इसीलिए उनको जानना है प्रभु के बारे में, प्रभु यीशु कौन है, परमेश्वर कौन है। अगर उनको जानना है तो सबसे पहले आप और मैं परमेश्वर के गुण को हमारे अंदर से प्रदर्शन करें, प्रकट करें। कैसे? एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। हम हमारे भारत देश का ताकत कितना है, हम कब प्रकट करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, पता है आपको? नहीं, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को हम हमारा पावर दिखाते हैं, हम हमारे ताकत का प्रदर्शन करते हैं कि हमारे पास कितना ताकत, कितना हथियार, क्या क्या है, उसका प्रदर्शन कब करते हैं? 26 जनवरी, 15 अगस्त या कुछ स्पेशल प्रोग्राम होता। लेकिन वही बात हमारे अंदर परमेश्वर ने डाल कर रखा, उसे आपको और मुझे प्रदर्शन करना है, उसको आपको और मुझे प्रकट करना है। लेकिन आप और मैं ना 26 जनवरी को करें ना 15 अगस्त को करें। आप और मैं विश्वासी लोग कुछ दिन, कुछ समय कलीसिया में ही प्रकट करने के लिए नहीं है। आप और मैं परमेश्वर के गुण को हर जगह, हर समय प्रदर्शन करने वाले लोग हैं। उससे जानेंगे कि आप और मैं बाइबल पढ़ते हैं, उससे जानेंगे लोग कि आप और मैं परमेश्वर के संतान है, उससे जानेंगे कि लोग परमेश्वर ऐसा है। हालेलुया, कितने लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं यहाँ पर। आइए हम आगे बढ़े, भजन का किताब में आइए, 40 अध्याय का 10 वचन पढ़े। भजन का किताब 40 अध्याय का 10। मेरा तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा। किधर नहीं रखा? बोलते हैं, मैं तेरी बातों को, तेरे धर्म के बातों को अपने मन ही में नहीं रखा। कुछ लोग बोलते हैं मन में मानो, दूसरों को बताने का क्या जरूरत है, ऐसे बोलते हैं। मन में रखो, ये मन में रखने की बात नहीं है। जो मन में रखना है वो मन में रखो, जो मन में रखने की बात है उसको मन में हम रखते नहीं है। याद रखे, जो कहता है मन में रखो, अंदर रखो, उस बात को हम अंदर नहीं रखते, उस बात को बाहर बताते हैं। और यहाँ कहता है इस बात को आप अंदर मत रखो, तो इस बात को कहते हैं आप अंदर रखो। हमारा सोच देखिए कैसा है, जरा पढ़िए वापस। मन ही में नहीं रखा, देखो मनुष्य को, इंसान, हर एक विश्वासी को जो परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर के किए हुए उद्धार, परमेश्वर ने जो आपके और मेरे लिए की हुई बातों को मन में ना रखे परंतु उसे प्रकट करे। आप और मैं इसलिए बुलाए गए हैं कि परमेश्वर ने जो किया है उसको हम दुनिया में प्रकट करें। हम कामों के अनुसार, हमारे खुद के अनुसार, परमेश्वर का वचन के अनुसार हमें प्रकट करके दिखाना है। आपका और मेरा बुलावट या बुलाया इसलिए है कि हम परमेश्वर के गुणों को उनके प्रकट करें ताकि लोग जाने, और उसको सिर्फ मन में मत रखो। कहते मन ही में ना रखे, एक बार फिर दोहराए 4:10। मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा, मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। जो आपने मुझसे मेरे जीवन में किया है उसको सिर्फ मेरे तक सीमित नहीं रखा परंतु उसकी चर्चा, उनकी बातों की चर्चा मैंने लोगों में किया, कैसे आपने मुझे छुड़ाया। इसको बोलते हैं गवाही देना। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम गवाही दोगे, जब तक नहीं आया तब तक गवाही नहीं देंगे। परमेश्वर के गुण को आपको और मुझे प्रकट करना है। और देखे, मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा में गुप्त नहीं रखी। आपने और मैंने जो पाया है उसे गुप्त में छुपा कर रखने की आवश्यक
नहीं है, उसे बांटना है। कहां बांटना है? सिर्फ जो कम पढ़े लिखे उधर नहीं। अब सोचते हैं इधर बोलेगा तो हमारा इज्जत का कचरा होगा, नहीं। जो उद्धार जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए की हुई बात को हम अपने तक सीमित ना रखे, उससे गुप्त ना रखे। कभी कभी देखिए दो विश्वासी आपस में बात करते रहते हैं और काफी टाइम के बाद या कुछ महीनों के बाद पता चलता है, तुम भी विश्वासी है, मैं भी विश्वासी है। इतने दिनों से महीनों तक वो एक दूसरे आपस में चर्चा नहीं करते प्रभु के बारे में। हम अक्सर एक बात बोलते हैं, हम हमारे शरीर का कोई जगह को भी थोड़ा सा काटे खून निकलता। हम मसीह लोग ऐसा होना है, हम कुछ भी बात करें प्रभु यीशु का बात उधर निकलना ही चाहिए। हालेलुया, कुछ भी बात करें प्रभु यीशु का बात निकलना चाहिए ताकि उनको मालूम भी पड़े हमारे कामों के अनुसार। लेकिन हम कभी कभी कुछ गड़बड़ी का काम करते होंगे, मुझे पता नहीं कितने लोग हैं करते होंगे। जब हम कुछ गड़बड़ी का काम करते होंगे तब प्रभु का नाम नहीं लेते, उस प्रभु की बातों को वर्णन नहीं करते। उस समय हम नहीं बोलते मैं प्रभु का हूं या प्रभु यीशु को मानने वाला जानने वाला हूं, हम नहीं बोलते। बाइबल क्या कहते हैं, हम भरी सभा में, बड़ी से बड़ी सभा में परमेश्वर की बातों का वर्णन करें, यत्न से वर्णन करें, उसे गुप्त में उसे छुपा कर ना रखें। 71 का 16 भी पढ़िए, इसी का 71 अध्याय 71:16। कैसे आऊंगा मैं प्रभु यहोवा का पराक्रम, उनके अद्भुत कामों का वर्णन करते हुए आऊंगा। कलीसिया भी जब आना है, प्रार्थना में जब आना है, आप सत्संग में आना है, तो आपको क्या करना है? परमेश्वर की पराक्रम, किस प्रकार परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया, किस प्रकार परमेश्वर ने मुझे बचाया, उस बचाने की बात को आप स्मरण करते करते आप सत्संग में आओ। आपका सत्संग, आपकी प्रार्थना इतना आशीषमय हो जाएगा, आप खुले दिल से आराधना परमेश्वर की कर पाएंगे। तब जब तक परमेश्वर को आप जानते नहीं है, आप सही तरीके से आराधना भी नहीं कर पाएंगे। ये गीत गाने की तरह, फिल्म गाने की तरह आप और मैं गा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की आराधना और आत्मा और सच्चाई से करना है तो परमेश्वर की जो पराक्रम के कामों को जब याद करते हुए आएंगे, आपका कदम 9 बजे तक घर पे रुकेगा नहीं। प्रभु ने मेरे लिए ऐसा किया, मैं आज जाकर इस सत्संग में, इस भवन में जाकर, प्रार्थना में जाकर मैं प्रभु की आराधना खुले मन से करूंगा। रोक नहीं पाएंगे आप अपने आप को। हाँ जी, मैं केवल तेरे ही धर्म की चर्चा किया करूंगा, सिर्फ परमेश्वर के महान कार्यों का ही चर्चा किया करूंगा। ठीक है, और एक वचन जरा पढ़िए, मनुष्यों का कर्तव्य क्या है, यशायाह 43:7 बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 43:7 यशायाह का किताब से 43:7 हर एक को जो मेरा कहलाता है, जो परमेश्वर का संतान है, वही परमेश्वर के कहलाने वाले। जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया वही परमेश्वर के संतान, हाँ जी, वही मेरे है करके परमेश्वर कहते हैं। जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के गुण को आप और मैं प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको बनाया है। हालेलुया, किसी का गुण प्रकट करने के लिए नहीं, परमेश्वर का गुण प्रकट करने के लिए आप और मैं मसीह यीशु में सृजे गए हैं। अतः जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। आपका और उन भलाई का, एफिसियंस 2:10 में ऐसा लिखा है, वो भलाई का काम करने के लिए हम मसीह यीशु में सृजे गए हैं। आपका और मेरा काम है परमेश्वर के गुण को प्रकट करना। आप देखें प्रियो, हम अपने आप को देखें, हम दूसरों को जांचने में बड़ा उस्ताद है, लेकिन हम अपने आप को देखें, अगर मैं ऐसी बात, ऐसे काम कर रहा हूं जिसमें परमेश्वर के गुण प्रकट नहीं हो रहे, तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। और उसकी चर्चा ना करें, आपको और मुझे जिसकी चर्चा करना है उसकी करना है। वो परमेश्वर का गुण, वो परमेश्वर का कैरेक्टर या परमेश्वर का स्वभाव नहीं है,
परमेश्वर के स्वभाव को आप और मैं प्रकट करें, इसके लिए आपको और मुझे बुलाया गया है। आपको पता है हम मसीह लोग ज्यादा से ज्यादा फेल होने का कारण क्या है? क्योंकि हम परमेश्वर के जो गुण है उसको हम प्रकट नहीं करते हैं, उसको हम सोचते हैं विश्वासियों के बीच में प्रकट करें। नहीं मेरे प्रियो, विश्वासियों के बीच में नहीं, परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया कि जो जानते नहीं है उनके बीच में हम परमेश्वर के गुण को प्रकट करें, ताकि वो हमें देखकर जाने परमेश्वर ऐसा है और यही परमेश्वर तो मुझे इसके पीछे चलना है। प्रभु यीशु ने वही कहा, मेरे पीछे आओ। आप किसके पीछे जा रहे हैं वो देखना बहुत जरूरी है। क्या मैं प्रभु यीशु के पीछे जा रहा हूँ या किसी और के पीछे जा रहा हूँ? किसी और के पीछे जाने का मतलब क्या है? प्रभु की बातों को न मानना यही है। नहीं मानने वाले लोग प्रभु के पीछे नहीं चलते। ठीक है, आगे दूसरी बात रखता हूं मैं। परमेश्वर अपने बच्चों से दूसरी बात जो उम्मीद रखते हैं वो ये है, फलवंत बनना, फ्रूटफुल होना। परमेश्वर चाहता है आप और मैं फलवंत बने, फ्रूटफुल होना। मैं हमेशा बोलते रहता हूं आपका शुरुआत हमारा शुरुआत कैसे क्यों ना हो, लेकिन आपको और मुझे फलवंत होना है। एक वृक्ष, एक झाड़ जिसमें फल लदे हुए हैं, उसी प्रकार आपको और मुझे होना है। और जिस पर फल लदा हुआ वो वृक्ष रहता है, वो झुका हुआ रहता है, आप देखें हमेशा। और जिसमें कोई फल नहीं लदा है या फल नहीं लगा है, वो वृक्ष हमेशा अकेला खड़ा रहता है। लदा हुआ फलों से, लदा हुआ फलों से भरा हुआ वृक्ष हमेशा नम्र या झुका हुआ रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़े योहन्ना का सुसमाचार में आइए, 15 अध्याय, जल्दी से योहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 1-6 वचन। सच्ची दाखलता मैं हूँ, हाँ, और मेरा पिता किसान है, हाँ, जो डाली मुझमें और जो डाली मुझमें है, और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो स्वचन के कारण, जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, तुम मुझमें बने रहो और मैं तुम्हें। जैसे डाली यदि एकाग्रता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं एकाग्रता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, तो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, जो मुझ में बना रहता है वो फलता है। हम कैसे समझे या क्या सबूत है मेरे पास कि मैं समझू मैं फल रहा हूं या फ्रूटफुल हूं? कैसे समझे? ध्यान से सुनिए, मनुष्य के मन में परमेश्वर के काम का सबूत है फलवंत होना। मनुष्य के मन में परमेश्वर के काम का सबूत आत्मिक फल है। याद रखें, जब तक आप और मैं आत्मिक फलों से लदा हुआ नहीं है, तब तक ये याद रखें कहीं ना कहीं आप और मैं परमेश्वर के गुण को जिसको प्रदर्शन करना है वो मुझे करने में कहीं ना कहीं कमी है। अगर मैं मानना है, एक वचन और जरा पढ़िए इसी में, योहन्ना 14 अध्याय का 21 वचन जरा पढ़े। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। जिसके पास मेरी आज्ञा है, मेरी बातें हैं, मेरे गुण हैं, उस गुण को जो व्यक्ति प्रदर्शन करता है, उस गुण को जो प्रकट करता है, वो व्यक्ति है फलवंत होता है, वो व्यक्ति ही फ्रूटफुल होता है। जो परमेश्वर के गुणों को प्रकट करने वाला, उसका 23 भी जरा पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, यानी वो मेरी आज्ञा को मानेंगे, यानी जो आज्ञा को मानने वाला व्यक्ति परमेश्वर के गुण को अंदर से बाहर प्रदर्शन करता है, बाहर प्रकट करने वाला है, वो है फ्रूटफुल होना। और वो व्यक्ति, ये सबूत या प्रूफ है उसका, वो आत्मिक फलों से लदा हुआ है। जो परमेश्वर की आज्ञा को, मसीह की आज्ञा को नहीं मानने वाला व्यक्ति आत्मिक फलों से लदा हुआ नहीं रहता है। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 6। तो यदि वो झाड़ी फ्रूट कटारे ऐसा पढ़ो ना, तो निकम्मे और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। पर है प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम
उससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं। साथ से वापस पढ़े, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वो ज्योति बोई जाती है उनके काम का साथ उपजाती है। देखिए यहाँ पर आपको और मुझे अपनी भूमि को तैयार करना बहुत जरूरी है, जो आपको और मेरा ये शरीर है, ये परमेश्वर का भूमि है, इसे हमें तैयार करना बहुत जरूरी है। जब तक आप तैयार नहीं करेंगे, जब तक यहाँ पर एक खेती का उदाहरण दिया है, वो वहां पर क्या कहते हैं, बार बार भूमि वर्षा के पानी को उस जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाते हैं, वो परमेश्वर से आशीष पाते हैं करके लिखा है। तो आप और मैं परमेश्वर के वचन को माने, परमेश्वर की आज्ञा को माने, तब आप और मैं परमेश्वर के गुण को प्रकट कर सकते हैं, नहीं तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा रुकावट है। आत्मिक फलों का सबूत है हम उनकी आज्ञा को माने, और परमेश्वर जानता है मनुष्य के मन में, परमेश्वर के काम का सबूत है आत्मिक फल लगा हुआ होना। अगला एक वचन और पढ़िए, मत्ती 9 अध्याय में आइए, 9:37, मैथ्यू 9:37, मत्ती 9:37। तब उसने अपने चेलों से कहा, प्रभु यीशु अपने चेलों से कह रहे हैं, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। देखिए फल तैयार है, कटनी के लिए तैयार है, लेकिन परमेश्वर के गुण को प्रकट करने वाले नहीं है। जब तक आप और मैं परमेश्वर के गुण को प्रकट न करें, हम किसी भी प्रकार का आत्मिक फल नहीं ला पाएंगे। खेत तैयार है और आगे कहता है, जरा पढ़िए आगे, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेजे। फल तैयार है, आप और मैं, वो फल हमारे पास ना आने का कारण क्या है कि आप और मैं परमेश्वर के गुण को प्रकट नहीं कर रहे, प्रदर्शन नहीं कर रहे, इसलिए वो प्रभु के पास नहीं आ पा रहे, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुर्दशा है मेरे प्रियो। कभी कभी मैं खुद सोचता हूं, हमारा फेसबुक में मैंने एक बातें देखी, से कुछ हमारा फेसबुक है करके ऐसा लिखा, मुझे प्रॉपर ध्यान नहीं आ रहा है डेट, लेकिन ऐसा कुछ है समथिंग, और आगे लिख के आया, इतने सालों में हम 80 लोग हैं, थोड़ा उससे अधिक, ऐसा मुझे इतना तकलीफ हुआ वो बात को सुनकर, मुझे कोई गर्व महसूस नहीं हुआ, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, मैं बहुत शर्मिंदा हुआ अपने आप में। क्यों मालूम है? इधर कहते हैं खेत तो पके हैं, प्रॉब्लम क्या है? आप सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, पास्टर ये आपका ही काम है, हमारा काम नहीं है, ये गलत है। खेत तैयार है, मजदूर थोड़े हैं, काम करने वाले थोड़े हैं, और वो काम करने वाले भी एक हाथ निकल गए तो बोलेंगे ये तेरा ये मेरा, ये तेरा ये मेरा, ये तेरा ये मेरा, ये तेरा ये मेरा, इसी में फंसे हैं और आगे बढ़ नहीं पाते हैं। और तो और ज्यादा समस्या कहाँ हो जाती है भाई। और एक बात रखा था, एक दिन एक मीटिंग में गया हम लोग, और सबने कहा, कई पास्टर लोग थे वहां पर, उसमें मैं भी था, और सबने कहा हमारे तरफ से इतने इतने आएंगे, मैं भी बोला मेरे तरफ से इतने आएंगे, इतने कुछ लोग आएंगे, ऐसे हम आएंगे, एक स्वाइजे कुछ नाम है नहीं बोलता हूँ, नहीं तो आप जान जाए। तो मैंने ऐसा भी कहा, ऐसे कई पास्टर जो हमारे साथीदार थे उन्होंने भी कहा। अब जब वहां पर गया और देखा तो बड़ी दुर्दशा ये हुई, जिसको मैं कह रहा हूं ये मेरे लोग हैं, दूसरा पास्टर बोलते हैं उसमें भी मेरे लोग हैं, तीसरा पास्टर बोलते हाँ उसमें भी मेरे, वो देखो मेरे लोग, वो देखो मेरे लोग। हमने करीबन 500 से 1000 लोगों का हमने वर्णन किया, और इसमें एक ही सदस्य को, एक ही व्यक्ति को 5 पास्टर, उससे अधिक, मैं 5 बोल रहा हूँ, उससे अधिक बोल रहे ये मेरे लोग, ये मेरे। मैं भी उधर अपने सर पर हाथ मारा, मैं बोला खेत तो पके हुए हैं,
तो गड़बड़ क्या है? वो कटनी के लिए जाते क्यों नहीं है? समस्या हमारा यही है कि हम एक ही जगह पर जा रहे हैं जिधर और चार लोग चले गए, हम उसी को सुसमाचार सुना रहे हैं, उसी के घर पे प्रार्थना चला रहे हैं जिसको और चार लोग सुना चुके हैं। पिछले दिन हमारा भी एक मुलाकात हुआ, मैंने भूषण को मैं बोला भाई उधर प्रार्थना में क्यों नहीं जा रहे हैं अभी? उसने एक बात बोला, मामा वो किसी और के इधर जाने वाले हैं इसलिए हम उधर नहीं जाएंगे। मैं बोला गुड, वो किसी और के पास जा रहे हैं, चलो कुछ वाद विवाद में नहीं जा रहे होंगे, लेकिन वो है कहीं का, उनको सुसमाचार सुना के फायदा क्या है? नए लोगों के पास जाए, खेत पक चुका है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम है हम हमें तैयार नहीं किए हैं, हम परमेश्वर के गुण को प्रकट नहीं करते। और एक ही जगह, मुझे पता नहीं क्या ये बीमारी है क्या है, जिसको सुसमाचार सुना है, जो कलीसिया में जा रहे हैं, थोड़ा इधर उधर भागे हुए, उन्हीं के पास जा जाके चार पास्टर दस पास्टर उधर ही जाएंगे, उनको ही सुसमाचार सुनाएंगे, उनको वापस कलीसिया में लेके आएंगे, वो कलीसिया को वापस बर्बाद कर देंगे। उनको क्या जरूरत है? खेत पके हुए हैं, जाए जहां सुसमाचार सुनाया नहीं गया उधर जाए, अब उधर ही उधर जाके बोलेंगे इधर कौन पास्टर आते, अरे तेरे को क्या करना है, कौन पास्टर आते है, जाना दूसरी जगह जिनको प्रभु ने प्रभु बोला है उधर जाकर सुसमाचार सुनाओ, उधर जाकर सुसमाचार सुनाओ, उधर जाते ही नहीं है, परमेश्वर के गुण को प्रकट नहीं करते। इसलिए हम भी अपना एक जगह का राजा बन गया है, मेंढक की जैसा बावड़ी का कुएं का राजा मैं हूँ, इधर का मालिक मैं हूँ, हो गया खत्म। आज हम ज्यादा से ज्यादा फेल होने का, नाकाम होने का कारण यही है। और मुझे समझ में नहीं आता है ऐसे पास्टर लोग, ऐसे पासवान लोग उनको क्यों इंटरटेन करते हैं, उनको छोड़ दो भाई, जाओ तुम जिस कलीसिया में जाते थे उधर जाओ, कुछ ऐसे है आओ हमारे पास। वो हमारे पास नहीं क्या वचन? हमारे पास परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं है क्या? परमेश्वर हमारे द्वारा काम नहीं करता है क्या? हम क्या पाखंडी है? तुम ही एक भला स्वर्ग से अभी उतरा है, बाकी सारे पास्टर ऐसे है बोल के तुमको कौन अधिकार दिया? अरे ऐसी कई कलीसिया है, कई लोग हैं जो उनके कलीसिया को भर रहे हैं, उनको पूछो भाई कितने लोगों को बपतिस्मा दिया। भले हमारे कलीसिया में रेट कम है, प्रतिशत कम है बपतिस्मा का, लेकिन किधर से आए हुए को लाकर हम हमारे कलीसिया में सदस्य हो जाओ नहीं बोलेगा, ऐसा है तो भाग जाओ, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर भी नहीं फलेगा क्योंकि उधर भी नहीं फला है। परमेश्वर के गुण को जब हम प्रकट करते हैं तभी फलते हैं, और वो प्रदर्शन करना है आपको और मुझे। हमको हमारे खोपड़ी में ऐसा आ गया है, मैं जिधर विश्वासी लोग हैं उधर ही जाकर सुसमाचार सुनाऊंगा। हमारा भूषण है, उसका एक बात मुझे और अच्छा लगता है, मैं उसका तारीफ नहीं कर रहा है। लोग कई बार बोलते हैं मुझे ये चर्च में पत्नी का बात करते हैं, लोगों का बात कर, भाई एक अच्छा उदाहरण है तो क्या इसके बाजू वाले की पत्नी का बात करूं? ये दूसरे अन्य जाति या दूसरे कलीसिया का भाई का बात करूं? जो देखता है जो सुनता है उसी का तो बात करेंगे। वो एक अच्छा बोलता है, मुझे अच्छा लगता है। पास्टर का काम है कलीसिया में प्रचार करना, बाहर काम है मेरा प्रचार करना। मैं कलीसिया में नहीं करूंगा, उसके लिए दो दो तीन तीन पास्टर हैं कलीसिया में, मैं बाहर प्रचार करूंगा, बाहर प्रचार करना मेरा जिम्मेदारी है। कितने लोग ऐसे इस जिम्मेदारी को उठाते हैं? कितने लोग हैं इसे उठाए इस जिम्मेदारी को? मैं ये नहीं बोलता कि हम इधर नहीं, अब आगे बढ़ो, पहला कदम हमारा ही रहेगा, बस लोग का ही रहेगा पहला कदम, जो भी आप करो या जो भी हम अगुवाई दें इधर से, उसमें पहला कदम ये पास्टर का ही होगा, मैं जाएगा पहला कदम। मैं लोगों को बोलता हूँ जिधर मार खाना है मुझे बुलाओ, अच्छा खासा शरीर हो गया परमेश्वर ने दिया है, चिंता मत करो आते हैं हम, कुछ भी होगा। फ्रूटफुल होना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, फलवंत होना जरूरी है। एक वचन और पढ़ें, 126 में आइए, भजन 126, मैं ये वचन बोलकर बंद करता हूँ, मेरा समय हो गया। हाँ जी 126 5 और 6 जरा पढ़िए। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, देखिए आज तकलीफ है दुख है, लेकिन हम ये नहीं चाहते थोड़ा आंसू बहाकर या दुख उठाकर तकलीफ उठाकर परमेश्वर का वचन सुसमाचार को सुनाए, ये हम एक कदम नहीं उठाते हैं। हमको सिखाने का बहुत ज्यादा ये है, मेरे पास एक भयंकर शब्द है मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, हमको लोगों को सिखाने का ही टैलेंट, हम उनको ही सिखाना चाहते हैं, सिखाओ
लेकिन पहले अविश्वासियों के बीच में जाओ, उनको सिखाओ, बाद में आके हमको सिखाओ। हमारा काम है पहले विश्वासियों को पकड़ पकड़ के सिखाते रहते हैं। मैं बोलूंगा तो बोलूंगा, भाई बस करो यार, मैं थक गया तुम्हारा सुन सुन के, मुझे बाहर जाने दो, मैं बाहर जाके सुसमाचार सुनाने दो, बाहर जाकर परमेश्वर का वचन बोलने दो। विश्वासियों को बोल के क्या फायदा है? आज आप तकलीफ उठाकर जो भी कार्य करेंगे, हाँ जी, वे जयकार करते हुए लौटने पाएंगे। शुरू से जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, तकलीफ दुख दर्द उठाकर अब एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, बो रहे हैं, वे जयकार करते हुए लौटने पाएंगे। आप जयकार करते हुए उसका फसल काटेंगे, और चाहे बोने वाला हाँ बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वो फिर पुलिया लिए जयकार करता हुआ, परंतु वो फल लिए हुए जय जयकार करते हुए लौटेगा। मेरे प्रियो, आप और मैं परमेश्वर के जो गुण है, जो परमेश्वर आपसे और मुझसे उम्मीद लगा के रखा है, उसे प्रकट करें। हम चार लोग आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, तू इधर का भेड़, मैं उधर का भेड़, वो मेरे इधर का भेड़, वो वहां का भेड़, क्या जरूरत है? पूरा दुनिया पड़ा हुआ है, पूरा कल्याण पड़ा हुआ है, कल्याण में पूरा घूमने को क्या तकलीफ है, मुझे समझ में नहीं आता। आप अपना समय, आप और मैं अपना समय जो कीमती है, ऐसे क्यों बर्बाद करें? आप और मैं ये समय को कोई जो प्रभु का वचन नहीं सुना, ऐसे व्यक्ति के पास जाकर परमेश्वर के गुण को, परमेश्वर के पराक्रम को क्यों नहीं प्रकट करते? आप और मैं सिर्फ विश्वासियों के पीछे लग लग के प्रकट करते हैं, और एक संस्था घुमा है, मुझे पता नहीं इनको क्या बीमारी है, उनको भी एक बड़ा भयंकर बीमारी है। उन लोग ढूंढ ढूंढ के जाते हैं किधर विश्वासी लोग हैं, अब उधर क्या करने जाते हैं? प्रभु यीशु ने ये आज्ञा दिया क्या तुमको? तुम किधर जाकर सुसमाचार सुना रहे हो? जो विश्वासी उसको भी भटकाएंगे बोल बोल के, वो परेशान होके बोलेंगे अरे हम जाते ही नहीं, जान दो। ऐसे लोगों के कारण है, बड़ा बीमारी है। इन लोगों को पता नहीं ऐसे लोगों के बीच में क्यों नहीं जाता, जिधर प्रभु जाने को बोला है वहां नहीं जाएंगे। याद रखें, आप फ्रूटफुल होना है, फलवंत होना है, आज दुख तकलीफ उठाकर हमें आगे बढ़े। कुछ नबी का किताब में आइए, 10:12 जरा पढ़िए। हमें फलवंत होने में रुकावट क्या डालता है वो मैं बोलना चाहता हूँ। मेरा समय थोड़ा मैं ले लिया, आगे मैं बोल के बंद करूंगा क्योंकि ऑनलाइन है, थोड़ा ले लेता हूँ, माफ करें मुझे, और थोड़ा सुनाएंगे तो भी मैं सुनता हूँ। हाँ जी, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। देखिए, अपने लिए कौन सा बीज बोए लिखा है, कौन सा बीज है? धर्म का। आप अपने लिए धर्म का बीज बोए, भले कामों का बीज बोए, आप उसका फल पाएंगे और आप तब फलवंत होंगे। आपको पता है क्या हम क्यों फलवंत नहीं होते? एक रुकावट है, वो रुकावट क्या है? हमारे अंदर खोखलापन, खोखलापन हमें फलवंत होने से रोकता है। हमारे अंदर कड़ापन, कठोरता, कठिनापन, कड़वाहट, बिटरनेस, ये सारी बातें हैं जो आपको और मुझे फलवंत होने से रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप और मैं क्या बोल रहे हैं? कड़वाहट बोल रहे हैं, खोखलापन बोल रहे हैं, कठोरता बोल रहे हैं, जो भी एक्स वाई जेड हम जो बोल रहे हैं, इसीलिए हम वो नहीं पा रहे हैं। हमें बोना है तो कुछ पाना है। आप जो बोओगे वही पाओगे। हाँ जी, पढ़िए वापस। अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। जो आप बो रहे हैं वो काटने पाओगे। और एक वचन पढ़िए जल्दी से, यहेजकेल नबी का किताब में आइए, यहेजकेल नबी का किताब 18:31 Book of Hezekiel, chapter 18:31। अपने सब अधर्मों को जो तुमने किए हैं
दूर करो, सब अधर्मों को जो तुमने किए हैं दूर करो और अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो, जो कुछ किए हैं उसको छोड़ो। क्या है वापस बढ़े? अपने सब अधर्म को, अपने सारे अधर्म को जो तुमने किए हैं, जो तुमने किए हैं यही है जो आपको और मुझे फलवंत होने के लिए रोकते हैं, रुकावट डालते हैं। फलवंत होने के लिए रोकने वाली बात है अधर्म के काम जो किए हैं, जो बड़बड़, जो मुझे नहीं करना चाहिए, जो शैतान की गुण है उसको मैंने बोला है, उसको मैंने किया है, इसीलिए फलवंत नहीं होते। आप और मैं अगर धर्म का बीज बोएंगे तो उसी को काटेंगे। आप और मैं, हमको बहुत जरूरी है फलवंत होने के लिए अपनी आत्मा और अपने मन को बदलना। कुछ शैतान की बातें ऐसे हैं जो लोग बोलते रहते, तुम कितना भी बोलो हम नहीं बदलेंगे। मैं उस शैतान के काम को बोलता हूँ यीशु मसीह में, मैं उसको खंडन करता हूँ और उसका विरोध करता हूँ और उसका सामना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो ऐसे हठीले मन है, तुम कितना भी बोलो हम बदलेंगे नहीं, सुधरेंगे नहीं, हम हमारे मन को नहीं बदलेंगे, मैं यीशु में, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में, मैं उसका विरोध करता हूँ, खंडन करता हूँ जो विश्वासियों में ऐसी बातें काम कर रहा है। वो है विश्वासी को फलवंत होने में रोकने वाली बातें। अपना मन अपनी आत्मा बदलना बहुत जरूरी है, तब हम फलवंत हो जाएंगे। मैं दो बात बोलकर आज यही समाप्त करता हूँ। पहली बात, हम परमेश्वर के गुण जो परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहते हैं, उम्मीद रखा है परमेश्वर, पहला हम उनके गुण को प्रदर्शन करें। दूसरा, परमेश्वर चाहता है हम फ्रूटफुल हो जाएं। परमेश्वर की चाहत है अपने बच्चों के प्रति वो फ्रूटफुल हो, और फ्रूटफुल हमें होना है, उनकी आज्ञा को मानना है, ऐसे हठीली बातों को निकालना है, और एक कदम दुख उठाकर हमें वो फसल काटने के लिए आगे बढ़ना है। प्रभु हम सबको इन वचनों से आशीष दे।